नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर बलरामपुर से, जहां बलरामपुर जिला बाढ़ की भीषण चपेट से इस वक्त झेल रहा है। बलरामपुर में आई बाढ़ से हो रही भीषण तबाही का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में बाढ़ से हालात बेहद खराब है, जिसके चलते कलेक्ट्रेट सहित तमाम सरकारी कार्यालयों में पानी भरा हुआ है। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग बलरामपुर उतरावला रोड पर कराई गई और ग्राम मझौला के निकट सड़क पर ही कार्यक्रम स्थल बनाया गया, जिसके बाद सीएम योगी ने उड़न खटोला से जिले का हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम बोधीपुर सहित करीब आधा दर्जन गांव के लोगों को राहत सामग्री अपने हाथों से वितरण किया। साथ ही सीएम ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है और स्थानीय स्तर पर प्रशासन अपना काम कर रहा है। उन्होंने प्रशासन को निर्देशित करते हुए कहा कि यहाँ आए हुए हर लाभार्थी को घर तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाया जाएगा। अगली खबर बस्ती से है, जहां जिले में हर साल बाढ़ से बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित होते हैं। घाघरा के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की नींद उड़ा दी है। घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 48 सेमी ऊपर बह रही है। कई गांव बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज बस्ती का दौरा किया। उन्होंने नाव पर बैठ करके बाढ़ क्षेत्रों का जायजा लिया, साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों का हालचाल भी जाना और बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री भी बांटी। इसके साथ ही बाढ़ क्षेत्रों में हेल्थ कैंप लगाकर लोगों को दवाइयां भी दी गई। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, आसपास में बाढ़ राहत शिविर लगाया गया है। शिविर में लोगों को आवश्यक राहत सामग्री भी दी जा रही है। देखिए, लगातार चूंकि अब स्ट्रीम में बारिश हो रही है और लगातार होने वाली बारिश की वजह से विभिन्न बैराज शारदा, गिरिजा और अलगिंग से लगातार वाटर डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिसके कारण जो घाघरा नदी का जलस्तर है उसमें वृद्धि हो रही है और तटवर्ती गांव भी मरुण की स्थिति में है। तो ऐसे गाँव जो है उनको खाली कराया गया है, बाढ़ाश्रय स्थल भी स्थापित किए गए हैं और स्थिति पर निरंतर नज़र रखी जा रही है। सभी संबंधित विभागों को अलर्ट भी किया और धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। अब आगे जो खतरा है सिद्धार्थ नगर, बस्ती और गोरखपुर, उसी में हम लोग आए हैं कि किसी किसान को किसी प्रकार के गरीब का नुकसान ना हो, बंदे व्यवस्थित रहें, लोग व्यवस्थित रहें और ऐसे जो प्रभावित गांव होते हैं जलमग्न से, उन गांवों की भी हम सभी उनकी कैसे सुरक्षा प्रशासन कर सकता है, सभी लोग कैसे लग सकते हैं काम में, उसी के निमित्त आदरणीय योगी जी ने आज भेजा है। वह भी एक दो दिन के अंदर हो सकता है कल ही आ जाए। आज वह बहराइच, श्रावस्ती, गोदामपुर के दौरे पर बाढ़ क्षेत्र, तो कल भी आ सकते हैं। इसलिए सभी कोई गरीब दुखी ना हो, इस बाढ़ में भी ईश्वर की अपना प्रकृति है, तूफान है, आंधी है, आग है, पानी है, इस सब समस्या से हम लोग कैसे किसानों को बचा सकते हैं, गरीब को कैसे बचा सकते हैं, इसीलिए आज सहारनपुर में 16 अक्टूबर को होने वाले प्रबंधक समिति के चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए एसके चंदानी, उपाध्यक्ष पद के लिए अर्चित अग्रवाल और प्रबंधक पद के लिए शंकर अरोड़ा ने नामांकन दाखिल किया। मैं हर्षदेव स्वामी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज नेहरू मार्केट सहारनपुर, विभागीय आदेशानुसार एसडी कन्या इंटर कॉलेज सहारनपुर की प्रबंध समिति के चुनाव हेतु में चुनाव अधिकारी बनाया गया है, जिसका चुनाव कार्यक्रम 11 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक चलना है। 16 तारीख को मतदान कराएंगे और इसमें आज सभी नामांकनकर्ताओं ने, यहां साधारण सभा के सदस्यों ने आकर के नामांकन किया। नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी, जाँच के बाद वो सूची चस्पा की जाएगी। विधिवत रूप से सभी अच्छे तरीके से सभी लोगों का सहयोग करके बहुत अच्छे अगली खबर हरदोई से है, जहां सुहागिनों के अखंड सौभाग्य का प्रतीक करवा चौथ का पर्व कल यानी बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। वहीं लगातार 7 दिनों से हो रही बरसात के बाद आज जब धूप निकली तो सामान खरीदने के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के प्रमुख बाजार भी दुल्हन की तरह सजे नजर आ रहे हैं, लेकिन बाजारों पर महंगाई का भी व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इस बार दुकानदारों को अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद ज्यादा थी, लेकिन महंगाई और जेब पर आर्थिक संकट से बाजारों में निराशा देखी जा रही है।
ईमानदारी तो सब सही होती है। मेन रीजन जो रहा है वो बारिश का रहा है, बाकी हम मुझे नहीं लगता कोई इसमें बहुत ज़्यादा महंगाई को लेकर के कपड़े पर असर आ रहा हो, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो धर्म जो अपना निभाते हैं त्यौहार, वो पूरे आराम से और इजी वे में हो रहा है। महंगाई का इस पर नहीं हमको असर दिख रहा है, हाँ बारिश के मौसम का जरूर प्रभाव पड़ेगा। अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां बाढ़ से हो रही भीषण तबाही का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती के दौरे पर रहे, जिसके चलते मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग श्रावस्ती के कटरा हवाई पट्टी पर कराई गई और कटरा के राम बिहारी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम स्थल बनाया गया। सीएम योगी ने उड़न खटोले से जिले का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद सीएम योगी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने करीब आधा दर्जन गांव के लोगों को राहत सामग्री अपने हाथों से बांटी। साथ ही सीएम ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बाढ़ की चपेट में आए जो घर गिर गए हैं, उन पीड़ितों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराया जाएगा और आपदा से ग्रसित लोगों को आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए मुआवजा भी दिया जाएगा। संबंधित परिवार को आपदा राहत कोष से धनराशि उपलब्ध करवाने, बाढ़ की चपेट में जिन लोगों के मकान आ चुके हैं और पूरी तरह उनके पास कोई अन्य साधन नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध करवाने, जिन लोगों के पास कोई भी अन्य साधन नहीं है उन्हें शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं को तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भी सहयोग करने के साथ ही सूखा और बाढ़ के कारण जिन लोगों की फसल को नुकसान पहुंचा है उसका तत्काल आकलन करने। अगली खबर बदायूं से है, जहां जेठ ने शराब के नशे में हैवानियत दिखाई है। बदायूं के थाना जरीफ नगर इलाके के गांव शेखपुरा में घरेलू विवाद के चलते जेठ ने अपने भाई की गर्भवती महिला को धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी है। वहीं उसके बचाव में आई महिला की छोटी बहन जो 10 साल की है उसकी भी वो निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद आरोपी जेठ मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। जनपद बदायूं के थाना जरीफ नगर अंतर्गत शेखुपुरा गांव में आज रात्रि 12 से एक बजे के बीच में एक घरेलू झगड़े में महिला के 35 वर्षीय महिला के जेठ ने उस पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें उसको चोट लगी। महिला को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस महिला के साथ उसकी बहन, छोटी बहन, 10 वर्षीय बहन भी रहती थी। इस लड़ाई झगड़े में उसकी बहन को भी चोट लगी। अगली खबर कुशीनगर से है, जहां कलेक्टर सभागार में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच समन्वय बैठक का आयोजन जीएमएस राजलिंगम की अध्यक्षता में शुरू किया गया। बैठक शुरू होते ही विधायक विवेकानंद पांडे, सदर विधायक मनीष जायसवाल, मोहन वर्मा, विनय गोंड ने बिजली की समस्या उठाई और कहा कि जर्जर तार पोल आदि के कारण जिले में 18 घंटे तक बिजली गायब रह रही है। विभागीय अधिकारी कान बंद कर बैठ जाते हैं और फोन करने पर फोन तक नहीं उठाते हैं। क्षेत्र की जनता उन्हें ताने दे रही है। खड्डा विधायक ने यहां तक कह दिया कि अगर बिजली समस्या दूर नहीं होती है तो हम इस्तीफा देने को मजबूर होंगे, जिसका सभी विधायकों ने एक स्वर में समर्थन दिया। इसके अलावा बैठक में सड़क, पानी, नाली आदि की समस्याओं को लेकर के भी चर्चा की गई। इस मौके पर जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर कृष्णानगर से है, जहां कूड़े के छोटे छोटे पहाड़ बनते जा रहे हैं। त्योहारों के समय पर हर गली में कूड़े के छोटे छोटे ढेर लगे हुए हैं। ये आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जुगल अरोड़ा का कहना है कि इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। निगम आंख बंद करके बैठा है, जबकि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है।
चारों ओर कूड़े के पहाड़ कृष्णानगर के सरकारी स्कूल के बाहर बनता जा रहा है। ये छोटे छोटे पहाड़ का रूप लेते जा रहे हैं, जबकि सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली सर पर है और सफाई के नाम पर कृष्णानगर की व्यवस्थाएं फेल होती नजर आ रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ बड़ इंडिया।